हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम इंडोनेशियन हॉरर मूवी पर जेंजियन गेप की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम इंद्री और वाइफ का नाम वाटी था। वो दोनों एक जगह पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, जिसमें वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए जिससे उनका सारा कर्जा खत्म हो जाए और उनके पास पैसे आ जाए। यहाँ पर हमें इस चीज का अंदाजा होता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। फिर वहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों को वापस घर लौटना पड़ता है। अब घर जाके वाटी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो ये बात अपने पति को नहीं बताती। अब जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, तो वाटी की नज़र न्यूज़ पे पड़ती है जिसमें एक जॉब आ रही होती है, जिसमें उन्हें बस एक ग्रैंड माँ की केयर करनी थी और बदले में बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। ये देखने के बाद वाटी ये जॉब करने को राजी हो जाती है और अगले दिन ये लोग दिए हुए पते पे पहुंच जाते हैं। यहाँ आने से पहले इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वहाँ जाके उन्हें क्या बोलना है। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वाटी नर्सिंग में ग्रेजुएट है और इंद्री पहले हॉस्पिटल के मुर्दा घर में काम किया करता था। अब ये दोनों इस पते पर पहुँच कर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि ये जॉब एक बहुत अमीर फैमिली की तरफ से थी और उनका घर बहुत बड़ा था। अब ये लोग अंदर आ जाते हैं, तो इनका इंटरव्यू इस फैमिली का ग्रैंडसन साटा ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उन लोगों से साटा बहुत से सवाल करता है, लेकिन ये लोग बड़ी चालाकी से सारे जवाब दे देते हैं और साटा को भी उनका बाई नेचर काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद वो उन्हें ग्रैंड माँ की केयर के लिए रख लेता है। अब आगे उन्हें उस घर में रहने के लिए एक बहुत बड़ा सा रूम दिया जाता है और ये दोनों काफी खुश होते हैं। उसके बाद साटा उन्हें घर के फार्म और गार्डन के बारे में सब कुछ समझा देता है। फिर आखिर में वो उन्हें अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाता है, जिनका उन्होंने ख्याल रखना था। खैर, अगली सुबह सभी गार्डन में थे, तो वहाँ एक तीजू नाम का लड़का आके ग्रैंड माँ को कुछ फ्लावर्स देता है। असल में ग्रैंड माँ को फ्लावर्स खाने बहुत पसंद थे और तीजू का यही काम था कि वो हर सुबह ग्रैंड माँ को फ्लावर्स ला के दिया करता था। अब साटा वाटी और इंद्री को सारा काम समझा के अपने काम के लिए बाहर निकल जाता है। अक्सर साटा काम के चक्कर में बाहर ही रहा करता था, इसलिए उसे घर में ग्रैंड माँ की केयर के लिए कोई चाहिए था। फिर अगले सीन में हम वाटी को ग्रैंड माँ को खाना खिलाते हुए देखते हैं, लेकिन ग्रैंड माँ स्पून को फेंक देती है। वाटी जब वो स्पून उठाने के लिए बेड के नीचे देखती है, तो उसे बहुत सारे फ्लावर्स एक प्लेट में रखे हुए दिखते हैं। उसके बाद ग्रैंड माँ उसे ये कहकर धमकी देती है कि उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, जो कि वाटी को काफी अजीब लगता है। खैर, उसके बाद हम वाटी को एक शॉप पे देखते हैं, जहाँ उसे घर में सामान भेजा जाता था। चावल लेते वक्त जब वाटी शॉपकीपर से बात करती है, तो तब उसे पता चलता है कि ग्रैंड माँ ने दो शादियाँ की थी, जिसमें पहले हस्बैंड से उसे 5 बच्चे हुए थे, उसमें से 2 की मौत हो गई थी, लेकिन बाकी 3 ग्रैंड माँ के साथ नहीं रहते। फिर वो कहती है कि उसके दूसरे पति के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता और साटा उनका अभी इकलौता ग्रैंड चाइल्ड है। उसके बाद वो बताती है कि ग्रैंड माँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें काला जादू आता है और उन्होंने अपने वक्त में उसे परफॉर्म भी किया था। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रैंड माँ की एज उससे भी ज्यादा है, जो कि वो लोगों से छुपा के रखती है। वाटी ये सारी चीजें सुन के काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ग्रैंड माँ को देखकर ऐसा नहीं लगता था। खैर, उसके बाद हम वाटी को देखते हैं जो ग्रैंड माँ को नहला रही थी। तभी ग्रैंड माँ उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है, जिसके दर्द से वाटी वहाँ से बाहर भाग जाती है और फिर वहाँ पर डरावनी चीजें होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि घर की लाइट्स बंद होने लगती हैं और खुलने लगती हैं और बाथटब का पानी काला होने लगता है, यहाँ तक कि ग्रैंड माँ के मुंह से भी खून आने लगता है, जिसके बाद हम ग्रैंड माँ के ऊपर एक डरावनी सी स्पिरिट को देखते हैं, जिससे डर के ग्रैंड माँ चिल्लाने लगती है और इंद्री उनकी आवाज़ सुन के वहाँ आ जाता है और उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद फिर से ये दोनों अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन दोबारा वो स्पिरिट ग्रैंड माँ पे अटैक करती है और इसमें उनकी मौत हो जाती है। अब ये दोनों देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये सब बहुत अचानक हुआ था। फिर इंद्री वहाँ से भागने का कहता है, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस ऑफिसर्स उनको ही ग्रैंड माँ के कत्ल का जिम्मेदार ठहरा कर अरेस्ट ना कर लें। लेकिन वाटी उसे समझाती है कि यहाँ से भागने से हम पे और भी शक होगा, इसीलिए इससे बेहतर है कि हम यहाँ रुक के यहाँ से कुछ पैसे चुरा लें, क्योंकि अभी यहाँ कोई भी नहीं है। अब दोनों सबसे पहले ग्रैंड माँ की अलमारी को खोलने का सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसमें बहुत सारे पैसे होंगे। उसके बाद वो दोनों उसे खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं खुलती। वाटी थक के वहीं सो जाती है। तभी इंद्री को वो सॉन्ग सुनाई देता है जो ग्रैंड माँ गाया करती थी। फिर उसके सामने ग्रैंड माँ की आत्मा आ जाती है और उसे हॉन्ट करती है।
लेकिन इंद्री को जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि ये उसका सपना था। इंद्री सुकून से सांस लेता है, लेकिन तभी ग्रैंड माँ की आत्मा सच में उसे हॉन्ट करती है, जिससे डर के वो वाटी को उठा देता है। जब ये बात वाटी को पता चलती है तो वो ग्रैंड माँ की बॉडी को देखने के लिए जाती है। फिर ये दोनों देखते हैं कि ग्रैंड माँ की बॉडी अपने आप ही बेड के नीचे चली गई थी। ये चीज इन दोनों के लिए बहुत डरा देने वाली थी, लेकिन ये दोनों फैसला करते हैं कि जब तक उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे वो किसी को ग्रैंड माँ की मौत के बारे में नहीं बताएंगे। अब अगली सुबह तीजो ग्रैंड माँ के लिए फ्लावर्स लेकर आता है, लेकिन इंद्री उसे फ्लावर्स लेके उसे वहीं रोक देता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो किसी से मिलना नहीं चाहती। उसके बाद तीजो ग्रैंड माँ को खिड़की पे खड़ा देखता है और उन्हें ग्रीट करके वो वहाँ से चला जाता है। ये देख कर वाटी और इंद्री दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता। यहाँ पर हमें अंदाजा होता है कि तीजो को कुछ तो पता है जो वो उन्हें बताना नहीं चाह रहा। अब इंद्री को ये पता चलता है कि सांटा किसी काम के लिए घर आ रहा है, लेकिन अगर सांटा को ग्रैंड माँ की मौत के बारे में पता चल गया तो काफी मसला हो जाएगा। इसीलिए फिर वाटी एक प्लान बनाती है जिसके अंदर वो दोनों ग्रैंड माँ की बॉडी प्रिजर्व करने वाले थे। फिर ये दोनों मिलकर ग्रैंड माँ की बॉडी को साफ वगैरह करके प्रिजर्व कर देते हैं। उसी वक्त वहाँ सांटा भी आ जाता है, जो ग्रैंड माँ के फिंगर्स प्रिंट्स किसी पेपर पे लेके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन उसे आइडिया भी नहीं होता है कि ग्रैंड माँ की मौत हो चुकी है। फिर ये दोनों ग्रैंड माँ को व्हील चेयर पे लेकर बाहर निकलते हैं, ये प्रिटेंड करवाने के लिए कि अभी वो जिंदा है और धूप लेने निकली हैं। लेकिन वो देखते हैं कि शॉपकीपर और तीजू वगैरह ग्रैंड माँ से नॉर्मल बात कर रहे हैं, जैसे वो उन्हें जवाब दे रही हों। देखने में ऐसे लग रहा था कि ग्रैंड माँ वहाँ खड़े सभी लोगों से बात कर रही हैं, लेकिन ये चीज बस वाटी और इंद्री को ही नहीं दिख रही थी। अब घर आने के बाद दोनों को पता चलता है कि ग्रैंड माँ के बेड शीट्स और पिलोज वगैरह में बहुत सारे पैसे हैं। जिसके बाद वो दोनों पैसे वगैरह लेकर रात में ही वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन उसके बाद होता ये है कि वाटी ग्रैंड माँ की बॉडी को डिसरिस्पेक्ट करते हुए उनसे जो करते हैं और उनका फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है। तब ये अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है और वाटी को ग्रैंड माँ की आत्मा पजेस्ट कर लेती है। उसके बाद इंद्री जब ग्रैंड माँ की स्पिरिट को देखता है तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब इन दोनों को होश आता है तो इंद्री उसी वक्त वहाँ से निकलने का फैसला करता है, लेकिन वाटी उसे रोक लेती है क्योंकि उसने फाइनली ग्रैंड माँ की अलमारी को खोल लिया था। अब ये दोनों अलमारी को देखने के बाद काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अंदर एक अलग ही कमरा था। उसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ वाटी को टेबल पे ग्रैंड माँ के तीनों बच्चों की फोटोज दिखाई देती हैं। फिर वाटी को वहाँ पर एक लॉकर दिखाई देता है जिसे वो खोलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसमें बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन बात खोलने के बाद भी वो लॉकर नहीं खुलता। तभी उन दोनों को ऊपर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो दोनों वहाँ से फौरन बाहर आ जाते हैं। अब उनके बाहर निकलते ही उनके सामने नावा खड़ी थी, जो ग्रैंड माँ की ही बेटी थी। नावा ने उन दोनों को अंदर देखा था, लेकिन वो उनसे कोई सवाल नहीं करती और फिर ग्रैंड माँ के पास आती है। वो उनसे बिल्कुल नॉर्मल बात करती है कि जैसे वो अभी भी जिंदा हो। उसके बाद इंद्री शॉप पे चला जाता है और वहाँ वो फोटो उन्हें दिखाता है, जिसपे वो बोलते हैं कि शायद ये बात सच हो कि ग्रैंड माँ के बहुत सारे बच्चे थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रैंड माँ की हर बर्थडे पर उनके एक बच्चे की मौत हुआ करती है। उसके बाद इंद्री बताता है कि ग्रैंड माँ ने अपने बच्चों के नाम नंबर्स पे रखे हुए थे, जैसे नावा का मतलब 99 और साटा मतलब 100। यहाँ पर अब उसे ये भी पता चलता है कि ग्रैंड माँ की कल बर्थडे है, लेकिन उनकी मौत तो पहले ही हो चुकी है। रात में सोते वक्त इंद्री को वाटी कहीं पर जाती हुई दिखाई देती है। फिर इंद्री उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि वो एक कोने में बैठ कर रो रही है। जब वो उसके पास जाता है तो वो वाटी नहीं बल्कि कोई और स्पिरिट होती है। अब ये देखने के बाद इंद्री बेहोश हो जाता है और इससे हम ये जान पाते हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सारी स्पिरिट्स हैं। अब अगली सुबह सांटा जब घर आता है तो वो इंद्री को बेहोश देखता है। फिर वो उसे उठाता है और ग्रैंड माँ की बर्थडे के लिए एक चिकन काट के लाने को कहता है। फिर इंद्री जाता है और चिकन काटने लगता है, लेकिन उसे वहाँ ग्रैंड माँ की स्पिरिट दिखाई देती है और फिर इंद्री को ऐसे लगता है कि उसने अपनी ही वाइफ का सर काट दिया है। इस सबसे इंद्री बहुत डर जाता है, इसलिए वो जाके ये बात सांटा और नावा को बता देता है कि ग्रैंड माँ की मौत हो चुकी है, लेकिन सांटा को बिल्कुल यकीन नहीं होता क्योंकि ग्रैंड माँ बिल्कुल ठीक है। फिर जब इंद्री अपने सामने ग्रैंड माँ को जिंदा देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अब जो सभी लोग पार्टी में मसरूफ थे तो ये दोनों वापस जाके उस लॉकर को खोलने लगते हैं। कुछ देर में वो लॉकर खुल भी जाता है, उसमें उन्हें बहुत सारा गोल्ड मिलता है। उसे चुरा कर वो लोग भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही इंद्री बाहर आ पाता है, एक स्पिरिट उसे अंदर खींच लेती है और गेट को लॉक करके उसे टॉर्चर करने लगती है।
अब इंद्री वहाँ पर बेहोश हो जाता है और तभी गेट का लॉक खुल जाता है। आर्टी जल्दी से अंदर जाती है और इंद्री को पकड़ के किसी तरह बाहर ले आती है, और जिसके बाद ये दोनों ही गूस्ट डाइमेंशंस में चले जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ बहुत सारी स्पिरिट्स दिखाई देते हैं जिनके बीच में ग्रैंड मदर बैठी हुई थी। वो स्पिरिट्स इन दोनों को अपने पास रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंद्री किसी तरह वाटी को गोल के साथ बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वाटी फौरन घर के बाहर आ जाती है। अब वाटी वहाँ से गोल लेकर जा ही रही होती है, तभी उसको अपने हस्बैंड के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। फिर वाटी अपने हस्बैंड के लिए वापस घर में जाने लगती है, लेकिन वहीं गेट पे ग्रैंड माँ खड़ी हुई थी। उसके बाद वाटी उनको उनका गोल्ड देकर अपने हस्बैंड को छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उसके बाद सारा गोल्ड और ग्रैंड माँ वहाँ से गायब हो जाते हैं और इंद्री घर से बाहर आ जाता है। अब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और अब मूवी का सबसे डिप्रेसिंग सीन आता है। वाटी अब फील करती है कि सबसे उसका बेबी एक्सपायर हो गया था, और इसी दुख के साथ में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो ग्रैंड माँ की ही बेटी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड माँ के 100 से ज्यादा बच्चे थे, और आज उनकी सालगिरह पर वो उनसे मिलने भी आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसका बहुत अजीब तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। फिर दोस्तों एंडिंग में हम ग्रैंड माँ वगैरह को देखते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि ग्रैंड माँ के ग्रैंड सन को भी पता था कि यहाँ क्या होता है। उसके अलावा आसपास के लोगों को भी पता था कि वो यहाँ पर ब्लैक मैजिक वगैरह करती है अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।